वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर गई हूँ रोसे की फली की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। जो तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल डालना है। देखिए, हमने इतना कढ़ाई में तेल डाला है, बाकी हमें कम तेल डालना है क्योंकि हमारी रोसे की फली है जो 250 ग्राम ही है। उसी हिसाब से हमें मसाले निकालने हैं। यहाँ पे देखिए 250 ग्राम रोसे की फली है जो हमने काट कर धो करके रख लिए हैं। और यहाँ पे देखिए 1 चम्मच धनिया पाउडर है और 1 हल्का चम्मच मिर्च पाउडर है, 1/2 चम्मच से भी कम। यहाँ पे हल्दी पाउडर है और 1/2 चम्मच नमक है हमारा। और यहाँ पे लहसुन और प्याज का पेस्ट है। यहाँ पे देखिए हमारा तेल गरम हो रहा है। हमारा तेल गरम हो गया है, यहाँ पे हम मेथी के दाने का बघार लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 मेथी के दाने हैं जो हमने इसमें डाल दिए। हम इसको चला लेना है जब हमारे मेथी के दाने हो जाएंगे हल्के रेड। इसके बाद हमने जो मसाले निकाल के रखे थे वो हम डाल देंगे। ये देखिए जितने हमारे पाउडर मसाले थे और हमारा जो पेस्ट था लहसुन प्याज का, वो हमने डाल दिया है। और जितने पाउडर थे हमारे, हल्दी मिर्च नमक और धनिया का पाउडर, हमने सारे इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम चला लेंगे। ये देखिए हमने सारे मिक्स कर दिए। इसके बाद देखिए हमने थोड़ा सा पानी डाला है जिससे कि हमें ये भूनना है। 1/2 ग्लास से भी कम, बहुत ही कम पानी डाला है यहाँ पे। और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मसाले को भूनना है। ये देखिए हमारा मसाला भुन गया है, तेल अलग हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से ये भुन गया है हमारा मसाला। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से भुन गया है, तेल बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम रोसे की फली सारी इसमें डाल देंगे। ये देखिए हम ऐड कर रहे हैं इसमें रोसे की फली और इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। आप इस मेरी रेसिपी को ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है ये। अभी यहाँ पे हम पानी में ऐड कर दे रहे हैं। 1/2 ग्लास से थोड़ा सा पानी हमने ज्यादा डाल दिया है क्योंकि हमें इसकी फली को गलाना है। अब इसको हम ढक देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए। अब यहाँ पे हम खोल कर देखते हैं। यहाँ पे देखिए भी काफी पानी है, हमारा तेल भी नहीं अलग हुआ है और हमारी फली भी नहीं गली है। देखिए अब इसमें 10 मिनट और लग जाएंगे तो इसको हम ढक देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम खोल करके देखते हैं। ये देखिए पानी सूख गया है लेकिन तेल अभी खूब अलग नहीं हुआ है और खूब ही हमारी अभी भुंजिया भुंजिया नहीं हुई है, इसलिए हम गैस की फ्लेम लो कर देते हैं और हमारा तेल अलग हो जाएगा। अभी देखिए 5 मिनट हो गए। देखिए अब हमारी बिल्कुल भुंजिया भुंजिया हो गई है और तेल भी बहुत अच्छा अलग हो गया है और मसाला भी बहुत अच्छा बन गया है। ये देखिए कितनी भुंजिया भुंजिया बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही अच्छी हमारी ये बनी है। प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।